हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन गांधी। आप लोगों का मेरे चैनल आई गांधी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे मस्त कुछ मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप अपने ब्लैक शार्क 2 में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका फ़ोन यूजिंग एक्सपीरियंस और भी बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन में दोनों में लाइव वॉलपेपर या वीडियो वॉलपेपर अप्लाई करना है तो आप कैसे करें। तो अगर आप थीम ऐप में जाके देखते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लाइव वॉलपेपर या वीडियो वॉलपेपर। इसमें दोस्तों ऑप्शंस काफ़ी कम देखने को मिलता है और जो ऑप्शंस है वो भी फुल एचडी क्वालिटी में नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अलग से फुल एचडी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और गैलरी ऐप में जाके सेटिंग्स में जाके आप इसको कोई भी वीडियो को आप अपने लाइव वॉलपेपर या वीडियो वॉलपेपर बना सकते हैं। और तो और दोस्तों, ये होम स्क्रीन में भी और लॉक स्क्रीन में भी दोनों में अप्लाई होता है। तो यहाँ जाके आप सेटिंग्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या फिर दोनों में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने दो लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन में दोनों में ही अप्लाई कर लिया है ये वाला वीडियो वॉलपेपर। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में वीडियो वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने दूसरा वीडियो भी डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि फुल एचडी क्वालिटी में है, जो कि एक पार्टिकल फ्लोट्स होते हैं। तो उसको मैं अभी अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि वो वॉलपेपर मुझे काफ़ी पसंद है। और अगर आपको दोस्तों ये वाला वॉलपेपर चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से प्रोवाइड कर दूंगा। और मुझे ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूनिक लगता है। दोस्तों, बात करें अगली ट्रिक की, तो हमें जैसा कि पता है ब्लैक शार्क 2 में हमें जो नेटिव कैमरा ऐप देखने को मिलता है जो कि शाओमी का ही है, उसमें 30 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो इसका मतलब अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं 60 FPS में या तो 1080p में या 4K में, आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है 60 FPS में तो दोस्तों इसकी ट्रिक ये है, आपको एक सेपरेट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और ऐप का नाम है ओपन कैमरा। काफ़ी फेमस ऐप है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इस ऐप को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आप ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो की सेटिंग्स में जाके बहुत सारे कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वीडियो रेजोल्यूशन में जाएंगे और उसको 4K में सेट कर देंगे, और दोस्तों अगर आप नीचे स्वाइप करके सेटिंग्स में जाके जो फ्रेम रेट है उसको 60 FPS या अपने हिसाब से कोई भी FPS में सिलेक्ट करके वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और तो और दोस्तों, आप एक्सपोजर लेवल और बाकी सारी चीज़ें इसमें से मेंटेन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप ज़रूर से ट्राई करें। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक शार्क 2 में हमें बहुत सारी RGB लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि अगर आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तब ये लाइट अप हो और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में लाइट अप हो। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन था कि जो ये लाइट है वो तभी लाइट अप होती है अगर हम अमेज़ॉन म्यूज़िक प्ले करते हैं। बाकी जो म्यूज़िक ऐप्स है जैसे कि जियो सावन या गूगल प्ले म्यूज़िक, ये सारे ऐप्स में ये लाइट अप नहीं हो रहे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप दूसरे ऐप्स को कैसे असाइन कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं ताकि जब भी आप म्यूज़िक प्ले करें उन ऐप्स में तो ये RGB लाइट्स लाइट अप हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको शार्क मोड में जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो अभी जियो सावन है उसको मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है। इसका मतलब अगर मैं जियो सावन में म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो RGB लाइट्स लाइट अप होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप देख सकते हैं जियो सावन में हूँ मैं। और दोस्तों, इसके लिए हमें शार्क मोड में जाना पड़ता है या शार्क स्पेस में जाना पड़ता है। तो आप वो स्विच को ऑन कर लीजिए और उसके बाद आप जैसे ही शार्क स्पेस में पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपको राइट साइड कॉर्नर में एक बॉक्स जैसा देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ऐप्स को या रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने ऐप को पहले ही ऐड कर रखा है, जियो सावन को। तो इससे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को शुरू से प्रोसेस बता पाऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने ऐप को रिमूव कर दिया शार्क स्पेस से। और यहाँ दोस्तों, अगर मैं जियो सावन में वापस जाता हूँ रिमूव करने के बाद, तो अगर मैं म्यूज़िक प्ले करता भी हूँ तो ये लाइट्स लाइट अप नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एनेबल करना है लाइट्स को कोई भी म्यूज़िक प्लेयर में, तो आप लोगों को शार्क स्पेस में जाना पड़ेगा। तो बटन को क्लिक कीजिए, शार्क स्पेस में पहुँच जाइए। और जैसे ही आप शार्क स्पेस में पहुँचते हैं तो वहाँ आप वापस से बॉक्स वाले एरिया में जाइए और वहाँ पर प्लस साइन आ रहा होगा राइट साइड कॉर्नर में, उसको क्लिक कीजिए। अपने ऐप्स को फाइंड कीजिए जैसे कि जियो सावन या फिर गूगल प्ले म्यूज़िक या कोई भी ऐप्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऐड कर लीजिए लिस्ट में। उसके बाद उस ऐप को ओपन कर लीजिए। आप ऐप को ओपन करते ही आप गेम बार को एनेबल कीजिए या आप लेफ़्ट या राइट स्वाइप कर सकते हैं गेम बार को एनेबल करने के लिए। तो आप जैसे ही गेम बार को एनेबल करेंगे, वहाँ आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ऊपर ब्लिंक हो रहा होता है। तो उसको क्लिक करके आप सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाएंगे और वहाँ नीचे आप मल्टी एक्सपीरियंस में क्लिक करके एस्थेटिक्स लाइट्स को ऑन कर लीजिए। अब जैसे ही इसको एनेबल करेंगे, अब आप अगर कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं जियो सावन ऐप में
तो आरजीबी लाइट्स काम करेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ और आरजीबी लाइट्स काम कर रही है। लेकिन दोस्तों एक ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आप जियो सावन ऐप से म्यूज़िक प्ले करते करते ऐप को एग्ज़िट करते हैं और अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले हो भी रहा है तो ये लाइट्स लाइट अप नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों अमेज़ॉन म्यूज़िक में अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और ऐप को एग्ज़िट कर देते हैं और बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले हो रहा है उसके बाद भी ये लाइट्स लाइट अप होती है और बैकग्राउंड म्यूज़िक प्लेबैक में भी चलते रहती है। दोस्तों बात करें अगले एक्साइटिंग टिप की, तो अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाके मैजिक प्रेस का ऑप्शन आप देखते हैं तो उसको ज़रूर से एनेबल कर लीजिए, क्योंकि ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको एनेबल करके बहुत सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं और बहुत सारे शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर कोई भी स्क्रीन एरिया में ज़ोर से प्रेस करता हूँ बॉटम स्क्रीन एरिया में, तो वहाँ पर ये एक ऑप्शन पॉपअप होता है। तो अगर आप स्वाइप अप करते हैं, तो मैंने सेट कर रखा है कि टॉर्च ऑन हो जाए, तो जैसे ही मैं स्वाइप अप करता हूँ ज़ोर से प्रेस करके तो ये टॉर्च ऑन हो जाती है। और ये दोस्तों कोई भी स्क्रीन में ऐसा हो सकता है, अगर आप होम स्क्रीन में आप स्क्रीन को ज़ोर से प्रेस कीजिए वहाँ पे भी ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। अगर आप कोई ऐप में है वहाँ पर कीजिए, वहाँ पर भी ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो और दोस्तों आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप अपने प्रेशर सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं कि आप कितनी ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये एनेबल होगा। तो अगर आप बॉटम एरिया में जितनी ज़ोर प्रेस करेंगे तो ऊपर आपको ये इंडिकेट करेगा कि आप कितनी ज़ोर प्रेस कर रहे हैं, कितने लेवल से प्रेस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। मुझे 5 लेवल अच्छा लगता है और ये मुझे काफ़ी यूनिक लगता है, तो ये फीचर मैंने एनेबल कर रखा है। और तो और दोस्तों आप इतने सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप वापस से कस्टमाइजेशन वाली स्क्रीन में जाएं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि ऐप्स भी आप चेंज कर सकते हैं इस शॉर्टकट के थ्रू। तो अगर आप बॉटम स्वाइप में, मैंने जैसे सेट कर रखा है कि अगर मैं बॉटम स्वाइप करूँगा तो जो प्रीवियस ऐप्स है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जब भी बॉटम स्वाइप करता हूं तो ये सेटिंग से प्ले स्टोर में आ जाता है, क्योंकि मेरे पिछले ऐप प्ले स्टोर थी। तो ऐसे ही अगर मैं प्ले स्टोर और थीम खोलता हूँ तो थीम्स ऐप में जैसे ही मैं, या फिर प्ले स्टोर ऐप में जैसे ही मैं बॉटम स्वाइप करूँगा तो ये मेरे प्रीवियस ऐप थीम स्टोर में आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है और मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो आप ज़रूर से इसको एनेबल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों एडिशनल सेटिंग्स में एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, वो है इंटेलिजेंट चार्जिंग। आप उसको भी एनेबल कर लीजिए ताकि अगर आप फ़ोन चार्ज में लगाए हैं तो फ़ोन हीट ना हो। दोस्तों बात करें अगले टिप की, तो आप बहुत सारे अलग अलग जेस्चर्स और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं, जैसे कि रेस टू वेक। बेसिकली पावर बटन को बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों बात करें अगले फीचर की, तो आप लॉक स्क्रीन में जो भी क्लॉक होती है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो डिफ़ॉल्ट लॉक स्क्रीन है, जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक है लॉक स्क्रीन में, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से लॉक स्क्रीन के जो क्लॉक का स्टाइल है उसको चेंज कर सकता हूँ। मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक और शॉर्टकट देखने को मिल जाता है जिसको आप एनेबल करेंगे तो आप कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार क्लिक करके। ये तभी एनेबल होता है या फिर तभी काम करता है जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन अभी ऑफ है और मैं वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार क्लिक करता हूँ तो सीधा मैं कैमरा में पहुँच जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छी बात है। कभी कभी आप लोगों को बहुत जल्दी कैमरा क्लिक्स लेने पड़ते हैं या पिक्चर्स लेने पड़ते हैं, तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं और तुरंत आप कैमरा ऐप में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप तुरंत ही फ़ोटोज़ या पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फ़ोन की UI की स्पीड बढ़ानी है, जो कि स्क्रॉलिंग या फिर ऐप मूवमेंट या फिर जो एनिमेशन स्पीड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर में क्लिक कीजिए सेवरल टाइम्स, वहाँ से आप डेवलपर ऑप्शंस को एनेबल कर लेंगे। फिर आप सेटिंग्स में जाइए और एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाते ही आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस में आप नीचे जाइए और एनिमेशन स्केल को, जो कि आप देखेंगे अपनी स्क्रीन में, उसको 1x से 0.5x कर दीजिए। तो यहाँ 3 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, तो आप तीनों को एनिमेशन स्केल को 0.5x में कर दीजिए और इससे होगा कि आपकी जो एनिमेशन स्पीड है, एनिमेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और स्नैपी हो गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इस फीचर को ज़रूर से एनेबल कीजिए।
और आपको बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ब्लैक शार्क 2 एक गेमिंग फ़ोन है और बहुत सारे लोगों को इसके गेमिंग फीचर्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो गेम से रिलेटेड हमें क्या टिप्स और क्या ऐसे अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको ज़रूर से एनेबल करने चाहिए। तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाके आप ज़रूर से अपनी स्क्रीन को सेट कीजिए, डिस्प्ले को सेट कीजिए गेम मोड में, गेम HDR मोड में, काफ़ी हेल्प करता है। और दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑडियो में जाके इसको कस्टम में सबको हाई सेटिंग्स में एनेबल कर दीजिए। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कि एनिमीज कहाँ से आ रहे हैं, फुटस्टेप्स को ये काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाता है। तो आप कस्टम में जाके सबको हाई में सेट कर दीजिए और सारे फीचर्स ऑडियो में एनेबल कर दीजिए, ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। बात करें अगले फीचर की, तो आप यहाँ पे मल्टी एक्सपीरियंस में जाके एस्थेटिक्स लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। तो जब भी आप गेम में फायर करेंगे तो ये लाइट्स ऑन हो जाएगी और ये रिएक्ट करेगी फायरिंग से। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप वाइब्रेशन फीडबैक को एनेबल कर सकते हैं, इसका मतलब आप जब भी फायर करेंगे या आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे गेम के अंदर, वहाँ पर आपको वाइब्रेशन फीडबैक मिलेगा। तो मैं आपको गेम में जाके भी दिखाऊँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ट्रिगर सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता हूँ और ट्रिगर एरिया भी सेट कर सकता हूँ। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक डेथ मैच लगाया, तो अभी मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ कि आप वाइब्रेशन फीडबैक को कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं फायर के ऊपर, अगर आप ट्रिगर एरिया को सेट कर देंगे तो जब भी आप गेम में फायर करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फीडबैक मिलेगा और बेसिकली फ़ोन वाइब्रेट होगा, आपको पता चलेगा कि अभी फायरिंग हो रही है। और दोस्तों वहाँ पे आप प्रेशर सेंसिटिविटी को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है डैशबोर्ड, यहाँ से आप इसको एनेबल कर लीजिए। यहाँ आपको फ़ोन के बैटरी टेम्परेचर, फ़ोन में जो गेमप्ले का FPS है और CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें बता देगा डैशबोर्ड। दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप एनेबल कर सकते हैं नो नोटिफिकेशन नो कॉल, इसका मतलब अगर आपको कोई कॉल करता है तो ऑटोमेटिकली कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा। और नो नोटिफिकेशन में आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी जब तक आप गेम खेल रहे हैं। सेटिंग्स में जाके आप फ्रेम रेट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो को मॉनिटर कर सकते हैं, वॉइस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हैं ताकि गेम के बीच में ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस चेंज ना हो। मोर में जाके आप और भी बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे कि गेम बार कहाँ से लाए, और आपसे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप सारी सेटिंग्स को रिस्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगले फीचर की, तो आप सेटिंग्स में जाके फिंगरप्रिंट एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पुराने बोरिंग एनिमेशन को चेंज कीजिए और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमेशन ट्राई कीजिए। तो अभी मैंने ये वाला सेट करके रखा है, मुझे ये वाला काफ़ी पसंद है। तो आप अलग अलग टाइप के 5 डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज़ करके एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों एक टिप और मैं आपको ज़रूर से देना चाहता हूँ, आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाइए और ज़रूर से DSP डिस्प्ले एनहांसमेंट को एनेबल कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि व्यूइंग एक्सपीरियंस और डिस्प्ले की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं जैसे ही एंटी फ्लिकर को ऑन करता हूँ तो मेरी डिस्प्ले फ्लिकरिंग बंद हो जाती है, और अगर आप इसको ऑफ़ कर देते तो वापस से फ्लिकरिंग शुरू हो जाती है। बात करें अगले फीचर की, तो यहाँ पे वीडियो HDR मोड को आप एनेबल कर लीजिए, इससे वीडियो की क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। सुपर सिनेमा मोड को एनेबल कर लीजिए, इससे वीडियो के फ्रेम रेट काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको ज़रूर से सेटिंग्स में जाके एनेबल कर लीजिए। आप यहाँ से स्टेटस बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं इंटरनेट स्पीड और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बैटरी से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो बैटरी के अलग अलग कस्टमाइजेशंस हैं उसको एनेबल कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो आप स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिस कर रहे थे जॉय UI 11 में, उसको कैसे वापस लाएँ। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, CPL लॉन्चर इंस्टॉल कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों आप CPL लॉन्चर को इंस्टॉल कीजिए और ये काफ़ी हद तक आपको स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो बाकी जो सेटिंग थे और जो स्टेटस बार है वो तो आपको MIUI का ही मिलेगा, लेकिन जो बेसिक एनिमेशंस और स्क्रॉलिंग और बेसिकली जो UI है वो आपको थोड़ी बहुत स्टॉक एंड्रॉयड जैसे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों और इसमें बहुत सारी अलग अलग फ़ीचर्स भी हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अलग अलग चीज़ें को एनेबल कर सकता हूँ। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं प्ले स्टोर्स के, और सेटिंग्स में बहुत सारी कस्टमाइजेशन भी है। तो यहाँ से जाके आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और भी दोस्तों बहुत सारी कस्टमाइजेशन हैं, जैसे कि बात करें तो आप एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, ऐप से रिलेटेड आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है,
विजेट से रिलेटेड है, और भी आप थीम को भी चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड, जैसी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप थीम रख सकते हैं। जेस्चर्स में भी हमें अलग अलग टाइप के जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं इस लॉन्चर में। तो लॉन्चर में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे दोस्तों। और तो और इसमें हमें गूगल फीड का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है, आप उसको एनेबल कीजिए। होम स्क्रीन में आइए और होम स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप कीजिए, आपको गूगल फीड देखने को मिल जाएगी। तो कुछ हद तक तो ये स्टॉक एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों बस ये इतना ही बताना था आप लोगों को कि आप थोड़ा भी मिस कर रहे हैं तो आप ज़रूर से इस लॉन्चर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में भी अगर एक अलग सेपरेट वीडियो चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने होम स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ करके रखा है, और आपने इसी वीडियो में पहले भी काफ़ी बार देखा होगा कि मैंने होम स्क्रीन को अलग अलग स्टाइल में कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं ज़रूर से एक वीडियो बना दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो बस दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।